एक बार एक आदमी था जो बहुमुखी था। उसने युद्ध में भी भाग लिया था और वह बहुत साहसी था। लेकिन युद्ध के अंत में उसे केवल 3 सिक्कों के साथ अपने व्यवसाय से छुट्टी दे दी गई थी। ये तो बहुत गलत है। मैं चुपचाप ये सहन नहीं कर सकता। मुझे अपनी ही मदद करनी होगी और सही दल मिलने तक मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। मैं राजा को उसके राज्य का सारा धन मुझे देने को मजबूर कर दूंगा। फिर क्रोध से भरा हुआ वह जंगल में चला गया और उसने देखा कि एक आदमी 6 पेड़ों के बगल में खड़ा है, जिसे उसने इतनी आसानी से जमीन से उखाड़ दिए हैं। क्या तुम मेरे साथ आओगे और मेरे दल में हिस्सा लोगे? हाँ ठीक है, मुझे अपने पिता और माँ के लिए इस लकड़ी को घर ले जाना है। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जल्द ही वह वहाँ पर लौट आया और सैनिक के साथ चलता बना। जब वह थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने एक शिकारी को देखा जो एक घुटने पर बहुत ही आसानी से लक्ष्य की ओर निशाना बना रहा था। उसके पास धनुष था। वाह, आप किसको अपना लक्ष्य बना रहे हैं? यहाँ से 2 मील दूर एक मक्खी है जो एक 5 के पेड़ की शाखा पर बैठी है और मैं उसकी बाई आंख में तीर लगाने जा रहा हूँ। ओह, तो आप भी मेरे साथ चलो। हम तीनों एक साथ दुनिया के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और तीनों तब तक चलते गए जब तक कि वे 7 पवन चक्कियों तक नहीं आ गए। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पवन चक्की बिना हवा के भी कैसे चल सकती है। सैनिक उन बाकी दोनों के साथ लगभग 2 मील आगे चला और वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक पेड़ पर बैठा है और एक नथुने को पकड़कर दूसरे के साथ हवा उड़ा रहा है। अरे, आप ऊपर क्या कर रहे हैं सर? यहाँ से 2 मील की दूरी पर 7 पवन चक्कियां हैं। मैं उन्हें उड़ा रहा हूँ और वह इधर उधर घूम कर चल रही हैं। अरे वाह, आप मेरे साथ चलिए। हम चारों एक साथ दुनिया के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और फिर कुछ समय चलने के बाद वह एक पैर पर खड़े एक व्यक्ति के पास आए और देखा कि उसने दूसरे पैर को उतार कर अपने पास लेटाया हुआ रखा है। आपको लगता है कि अपने आप को आराम देने के लिए ये सुविधाजनक तरीका मिल गया है? मैं एक धावक हूँ और अपने आप को बहुत तेजी से न जाने के लिए मैंने अपना पैर उतार लिया है, क्योंकि जब मैं दोनों पैरों के साथ दौड़ता हूँ तो मैं एक पक्षी से भी तेजी से चल सकता हूँ। ओह, तो आप भी मेरे साथ आइए। हम 5 एक साथ दुनिया के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसलिए धावक उनके साथ चला गया और थोड़ी दूर जाने पर वे एक आदमी से मिले जो एक छोटी टोपी पहने था और उसने इसे सिर्फ एक कान में पहना था। अरे वाह, ये क्या है? जैसे आपने टोपी पहनी हुई है, आप एक मूर्ख की तरह दिख रहे हैं। मैं इसे सीधे नहीं डालने की हिम्मत कर सकता हूँ। अगर मैं करता हूँ तो इतनी भयानक ठंड होगी कि पक्षी जम जाएंगे और आसमान से जमीन पर गिर जाएंगे। अरे, ये तो अद्भुत है। आप हमारे साथ चलो। हम 6 लोग मिलकर पूरी दुनिया के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं। और वे 6 व्यक्ति निकल पड़े और एक कस्बे में आ गए जहां राजा यह घोषणा कर चुका था कि जो भी उसकी बेटी के साथ दौड़ लगाएगा और जीत जाएगा वह उसका पति बन जाएगा।
लेकिन जो कोई भी हार गया उसे सौदे में अपना सिर खोना पड़ेगा। वह सैनिक आगे आया कि उसका एक आदमी उसके लिए दौड़ेगा। फिर इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम्हें एक शर्त लगानी होगी। यदि वह असफल रहा तो उसका सर या तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तो सैनिक ने धावक को बुलाया और उसका दूसरा पैर बांध दिया। देखो, यह सुनिश्चित करो कि हम ही जीतेंगे। अब राजा की बेटी और धावक ने एक एक घड़ा लिया और वे दोनों एक ही समय में शुरू हो गए। लेकिन एक पल में जब राजा की बेटी केवल एक छोटे से रास्ते पर चली गई थी तो वो धावक दृष्टि से बाहर हो गया था। कुछ ही समय में धावक उस झील तक पहुंचा, अपने घड़े को पानी से भर दिया और फिर से वापस चला गया। लगभग आधे रास्ते पर उसे थकावट महसूस हुई और उसने अपने घड़े को नीचे रखा और वह सोने के लिए जमीन पर लेट गया। लेकिन जल्द ही उसकी आंख खुली और उसने अपने पास ही घोड़े की खोपड़ी पाई देखी और फिर उसने उसे तकिया बनाकर उसके ऊपर सर रखकर सो गया। इसी बीच राजा की बेटी वह झील तक पहुंच गई और उसने अपना घड़ा भर दिया और फिर वह उसे लेकर भागने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसने धावक को देखा जो सो रहा था। अरे वाह, ये दिन तो मेरा है। वह बहुत खुश हुई और उसने घड़ा खाली कर दिया और जल्दबाजी से चलने लगी। लेकिन महल की दीवार पर खड़े उस शिकारी ने अपनी तेज आंखों से सब कुछ देख लिया और उसने अपनी बंदूक को लोड किया और इतना अच्छा निशाना लिया कि उसने बिना धावक को नुकसान किए घोड़े की खोपड़ी को धावक के नीचे से गोली मार दी और धावक जाग गया और अपने घड़े को खाली खड़ा देखा और राजा की बेटी को अपने घर के रास्ते पर जाते हुए भी देखा। लेकिन हिम्मत ना हारते हुए वह तेजी से झील के पास गया और उसने फिर से पानी को भरा और वह राजा की बेटी से 10 मिनट पहले ही घर आ गया। लेकिन राजा बहुत चिढ़ गया था और उसकी बेटी और भी अधिक, क्योंकि वह एक आम सैनिक द्वारा हार गई थी। इसलिए वह दोनों आपस में सलाह करने लगे कि वह एक ही समय में सैनिक और उसके साथियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देखो बेटी, मेरे पास एक योजना है, डरो मत, क्योंकि हमें उनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। फिर वह उन पुरुषों के साथ बाहर गया और उन्हें दावत के लिए आमंत्रित किया और बोला कि आपको यह सब खाना चाहिए और पीना भी चाहिए। इसलिए वह उन्हें एक कमरे में ले गया जिसमें लोहे का फर्श था और दरवाजे भी लोहे के थे। यहाँ तक कि खिड़कियों पर भी लोहे की चौखट थी और नट और बोल्ट भी लोहे के थे। कमरे में एक बहुत ही शानदार भोजन के साथ एक मेज लगाई हुई थी और जब वे 6 लोग अंदर गए तो दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया गया। तब उसने रसोइये को बुलाया और उससे कहा कि वह कमरे के नीचे एक बड़ी आग लगा दे ताकि वहां का लोहे का फर्श गर्म हो जाए। और रसोइये ने ऐसा ही किया। और उन 6 लोगों ने कमरे को बहुत गर्म महसूस करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये तो रात के खाने का कारण था क्या? लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई उन्होंने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। वे सोचने लगे कि यह कोई राजा की बुरी योजना तो नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं अभी इस कमरे को ठंडा कर दूंगा और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए उस टोपी वाले आदमी ने अपनी टोपी को सीधे अपने सर पर सेट किया और तुरंत ठंड पड़ गई और सभी गर्मी दूर हो गई। 1-2 घंटे बीत गए और राजा ने सोचा कि वे सभी गर्मी के मारे अब तो मर चुके होंगे। उसने दरवाजा खोला
और जब उसने देखा तो वह सभी छह काफी सुरक्षित थे और स्वस्थ भी थे। क्रोध से भरा राजा रसोईये के पास वापस गया और उसे खूब डांटा और पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिससे वह एकदम स्वस्थ है। क्या उसने उसका आदेश नहीं सुना क्या? वहाँ काफी ठंड है, आप खुद जाकर देख सकते हैं राजा जी। और राजा ने देखा कि लोहे के कमरे के नीचे एक विशाल आग जल रही है और फिर वह सोचने लगा कि छह आदमी इतनी आसानी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। इसलिए उसने एक नई योजना के बारे में सोचा और उस सैनिक को बुलाया। देखो, यदि तुम मेरी बेटी को हराने के लिए अपना पुरस्कार सोने के बदले में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इतना सोना दूंगा जितना तुम्हें चाहिए। ठीक है राजा जी, मुझे इतना सोना चाहिए जितने मेरे दलवासी लेकर जा सकें और मैं आपकी बेटी को जीतने दूंगा। इसलिए राजा ने इस बात पर सहमति जताई कि सोना ले जाने के लिए 2 सप्ताह में फिर से आओ। उस आदमी ने राज्य के सभी दर्जी को एक साथ बुलाया और उन्हें एक बड़े पैमाने पर बोरी बनाने के लिए काम पर लगा दिया और उन्हें 2 सप्ताह लग गए। और जब वह सब तैयार हो गया तो वह बलवान व्यक्ति जो पेड़ों को जड़ से उखाड़ता था उन बोरियों को अपने कंधे पर लाद कर राजा के सामने गया। ये कौन है जो इतने भारी सामान को अपने कंधे पर इतनी आसानी से लेकर जा रहा है? राजा ये सोचकर घबरा गया कि वह कितना सोना ले जाएगा। 1 टन सोना 16 मजबूत पुरुषों द्वारा खींचा गया था, लेकिन उसने यह कहते हुए एक बोरी में डाल दिया। राजा जी, आप थोड़ा और सोना क्यों नहीं लाते? अभी तो बोरी पूरी खाली है। तो राजा ने अपने आदमियों को भरपूर सोना लाने को कहा, मगर तब भी बोरी आधी खाली थी। और लेके आओ, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर 7,000 गाड़ियों पर लदे हुए सोने को पूरे राज्य में इकट्ठा किया गया और उसने उन्हें अपनी बोरी में डाल दिया। मैं बहुत गौर से तो नहीं देखूंगा, लेकिन जब तक बोरी भर नहीं जाती तब तक मुझे जो भी मिलेगा मैं इस बोरी में डालता रहूंगा। सब कुछ डाल दिए जाने के बाद भी बहुत जगह थी। अरे यह तो चलता रहेगा, मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। बस लक्कड़हारे ने अपनी पीठ पर बोरा रखा और अपने साथियों के साथ रवाना हो गया। जब राजा ने देखा कि उसके दायरे की सारी दौलत एक ही आदमी के पास चली गई है, वह तो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने आदमियों से घोड़े की गाड़ी लाने को कहा और 6 लोगों का पीछा करते हुए बोरी को मजबूत आदमी से दूर करने के लिए चल पड़े। दो सैनिक जल्दी ही उन 6 लोगों के पास पहुंच गए। उन्होंने यह कहते हुए पुरुषों को बुलाया कि या तो वे बोरी को दे दें या फिर उन्हें टुकड़ों में काट दिया जाएगा। क्या टुकड़ों में काट दिया जाएगा? ये क्या बकवास है? मुझे लगता है कि तुम सभी को पहले हवा में थोड़ा नृत्य करना चाहिए। और उसने एक नथुने को पकड़े हुए दूसरे के माध्यम से ऐसी हवा फेंकी कि एक सैनिक तो इतना ऊंचा उड़ा कि दूर जाकर एक पहाड़ी पर गिर गया। लेकिन जो दूसरा पहरेदार था वो तो अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी सिपाही ने उसे दंडित नहीं किया, उसने तो उसे बस नीचे गिरा दिया ताकि वह पहरेदार उसे नुकसान ना पहुंचा सके। उसने उस पहरेदार को राजा के पास जाने के लिए कहा और उसे बताया कि जो भी अन्य सैनिक उनकी ओर आ रहे हैं उन्हें वापस मुड़ जाना चाहिए, नहीं तो उन्हें भी वो वैसे ही उड़ा देगा। और जब राजा को संदेश मिला तो उसने कहा, सिपाहियों, मुझे लगता है हमें उन्हें जाने देना चाहिए, उनके पास कुछ ज्यादा ही शक्ति है। इसलिए उन 6 सिपाहियों ने आपस में एक खजाना बांट लिया और अपनी अंतिम सांस तक बहुत खुशी से रहे।